चलिए एक ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अगली चर्चा जो होने वाली है वो होने वाली है मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार पर। क्या वाकई कुछ ऐसे चेहरे होने वाले हैं जो बदल जाएंगे, जिनको टीम से आउट कर दिया जाएगा, और कुछ ऐसे चेहरे होंगे जिनको एक बार फिर से मोदी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाएगा। और दरअसल अब जो जो जानकार हैं वो ये मानते हैं, वो ये कहते हैं कि मोदी मंत्रिमंडल में इस वक्त विस्तार दरअसल इसलिए किया जा रहा है, या कह लीजिए कि रिशफलिंग इसलिए की जा रही है क्योंकि सामने 2017 चुनाव है और सरकार ये चाहती है, बीजेपी ये चाहती है कि जहां की जनता तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि हम आपके प्रदेश, आपके बारे में सोच रहे हैं। और इसको चुनावी बिसात के तौर पर खड़ा किया हुआ रणनीतिक एक एजेंडा भी माना जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद हम चर्चा पर चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल करने जा रहे हैं। इस विस्तार में कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं तो कुछ का ओहदा और बढ़ाया जा सकता है। ऐसी भी अटकलें हैं कि खराब प्रदर्शन के कारण कई मौजूदा मंत्रियों की कुर्सी जा सकती है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा इस फेरबदल में यूपी चुनाव की छाया साफ देखे जाने के कयास लग रहे हैं। अनुप्रिया पटेल यूपी में बीजेपी की सहयोगी और मिर्जापुर से अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल को सरकार में शामिल किया जाना लगभग तय माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। योगी हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है और अपने बयानों से भी अक्सर वो सुर्खियों में रहते हैं। राघव लखनपाल सहारनपुर से बीजेपी सांसद राघव लखनपाल के नामों पर भी चर्चा तेज है। महेंद्र पांडे वहीं चंदौली से बीजेपी सांसद महेंद्र पांडे को भी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। कृष्ण राज शाहजहांपुर से बीजेपी सांसद कृष्ण राज को भी मंत्री बनाए जाने पर क्या तो चलिए, कई ऐसे चेहरे हैं, कई ऐसे नाम हैं जिनको शामिल किया जा सकता है। हम हालांकि वो ग्राफिकली आपको दिखाते भी रहेंगे और बताते भी रहेंगे किन 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 नामों पर चर्चाएं हैं। क्या ये फेरबदल दरअसल इसलिए है क्योंकि चुनाव सामने हैं? मैं अपने मेहमानों सबसे पहले मिलवाते हैं, उसके बाद चर्चा पे चलते हैं। हमारे साथ द्विजेंद्र त्रिपाठी हैं कांग्रेस की तरफ से, मनीष शुक्ला हैं बीजेपी की तरफ से, बुक्कल नवाब साहब एसपी की तरफ से हैं, डॉक्टर सतीश मिश्रा हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं नोएडा से। एक बार फिर से तमाम मेहमानों का स्वागत है और शुरुआत इस बार बीजेपी के साथ। सर, क्या ये चुनावी फेरबदल है क्योंकि विपक्षी आप यही इल्जाम लगा रहे हैं? विपक्ष के इल्जाम का नहीं सवाल है रोहित जी, आप जानते हैं कि सरकारें अपना काम करती हैं और विभिन्न मंत्रियों के कामकाज के आधार पर उनकी प्रोन्नति या कहीं संगठन में आवश्यकता होने पर उनको वापस लेती हैं। और अगर उत्तर प्रदेश से किस प्रतिनिधित्व बढ़ता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में तो निश्चित रूप से मैं उत्तर प्रदेश से रिप्रेजेंट करता हूं बीजेपी को, यहाँ का यहाँ से राजनीति करता हूं, तो मुझे तो खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश को और प्रतिनिधित्व मिले। नहीं, ये अच्छी बात है सर, खुशी होनी भी चाहिए कि और प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन यही तो बात हो रही है ना कि 2017 का चुनाव है इसलिए उत्तर प्रदेश के चेहरों को आप ला रहे हैं, 2017 में उत्तराखंड में चुनाव है इसलिए वहां अजय टमटा के नाम पे चर्चा तेज है, 2017 के आसपास पंजाब का चुनाव होगा इसलिए पंजाब के भी चेहरों को शामिल कर रहे हैं, शिवसेना जो आपके सहयोगी दल है वो नाराज है, वो अपनी नाराजगी जता रही है, आप उसकी नाराजगी को कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहे हैं, ये भी आरोप आप पे लग रहा है? नहीं रोहित जी, देखिए जो फॉर्मूला था एनडीए का उस आधार पे सबको प्रतिनिधित्व दिया गया है और जो चेहरे शामिल किए जाएंगे तो जो फार्मूला है कि इतने सांसद पे इतने मिनिस्टर हो सकते हैं उस आधार पे मिनिस्टर बढ़ाए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये सरकार का एक सामान्य और रूटीन का वर्क है कि जहां जरूरत पड़ेगी, जब जरूरत पड़ेगी तो मिनिस्टर की संख्या बढ़ा घटा सकती है सरकार, और उसी आधार पर उनके कामकाज के आधार पर या जहां जरूरत है कि यहां और काम होना चाहिए उस आधार पर सरकार अपना निर्णय लेती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी उनको जहां आवश्यकता महसूस हो रही है। सर, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, हालांकि देखिए इस पॉइंट पे मैं सिर्फ यूपी नहीं कवर करूंगा। अजय टमटा को आप इसलिए बढ़ा रहे हैं नाम के तौर पर आगे क्योंकि ये कहा जाता है कि कुमाऊं क्षेत्र में प्रदीप टमटा राज्यसभा पहुंच चुके हैं, अब वहां पे चैलेंज ये है कि बीजेपी अपने प्रभुत्व को कायम करना चाहती है इसलिए वहां पे आपने अजय टमटा का नाम आगे कर दिया कि अजय टमटा को जो है मंत्रिमंडल में डाला जा रहा है, इम्पैक्ट तो पड़ रहा है। और यही नहीं रुक रहा सर, इल्जाम ये भी है कि 75 साल से ऊपर जो भी आपके बड़े चेहरे हैं उनको शायद आराम देने की तैयारी चल रही है, कलराज मिश्र का भी नाम इसमें आ रहा है शामिल।
तो ये क्या है सर, किस तरह की कैंपेनिंग हो रही है, युवाओं चेहरा को जोड़ना? देखिए रोहित जी, उत्तरांचल से एक मिनिस्टर बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से होना चाहिए। और जहां जहां देखिए सरकार या संगठन काम करती है, जब उसको आवश्यकता नजर आती है कि यहाँ से प्रतिनिधित्व थोड़ा कम है या यहाँ आवश्यकता है आज की तारीख में, वहाँ केंद्र के सरकार के कामकाज और ठीक से वहाँ हो सके, तो निश्चित रूप से सरकारें इस तरह से रूटीन में काम करती हैं। और मुझे लगता है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार 75 से ऊपर को रिटायर किया जा रहा है, ये भी मानिएगा, उस अनुसार उतने ही। इस पे जवाब देंगे सर आप, 75 से ऊपर जो नेता पहुंच रहे हैं आपके, उनको आराम आप दे रहे हैं, साइडलाइन कर रहे हैं? देखिए ये जानकारी रोहित जी आपके पास होगी, हमारे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं कि एज के अनुसार किसी को हटाया या जोड़ा जा रहा है। सर मार्गदर्शक मंडल तो आपका इसी खेमे में तैयार किया गया है ना, कलराज मिश्र को भी शायद अब उसी लिस्ट में डाल रहे हैं। मार्गदर्शक मंडल जो तैयार किया गया, मार्गदर्शक मंडल अगर तैयार किया गया तो आपके पास तक सूचना उसकी गई, इसलिए आप बता पा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो भी निर्णय होगा वो कल आपके सामने आ जाएगा, जो चेहरे शामिल होंगे, और उस आधार पर आप कह सकते हैं, चूंकि मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि एज के आधार पर किसी को सरकार में शामिल। आप इसे ये बता रहे हैं कि कैजुअल फेरबदल है, कोई चुनावी फेरबदल? निश्चित रूप से कामकाज की नहीं रोहित जी, निश्चित रूप से सरकार, देखिए केंद्र की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर आवश्यकता महसूस होगी, जहां से देश के विभाग से आवश्यकता महसूस होगी, जर्नलिस्टिक व्यू क्या कहता है, क्या ये सिर्फ रूटीन जो कहा जाता है गवर्नमेंट रहती है फेरबदल करती है, क्या रूटीन फेरबदल है? नहीं देखिए ये राजनीतिक फैसले, राजनीतिक फैसले ठीक है, मानता हूं। ये कयास लगाया जा रहा था बहुत कम से कम पिछले 8-9 महीने से कि कैबिनेट रिशफल होगा, एक्सपेंशन होगा, पर हुआ नहीं। अब जब चुनाव 7-8 महीने रह गए हैं तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और पंजाब में ये जरूरी हो जाता है, ये जो रणनीति का हिस्सा होता है, जो राजनीतिक नेता ये मानते हैं कि जिन जगहों पे चुनाव हो रहा है वहाँ पर प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए। देखिए उत्तराखंड की में सोचिए, जहाँ से भाजपा के 5 MP जीत के आए थे, अभी तक कैबिनेट में उनको एक जगह नहीं दी गई थी, अब अचानक ये बात तो हो गई ना, सोचा जा रहा है, जनता को जवाब देना पड़ेगा, जनता को जवाब देना पड़ेगा, तो वही हो तो गया ना सर, राजनीतिक चुनावी हो तो गया, ये आपका जवाब कहीं ना कहीं चुनावी तो बन गया, ये इंपैक्ट तो दिखा दिया सतीश जी। देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ कि चुनावी फैसला, ये राजनीतिक फैसला तो होता ही है, अब इसके साथ वो पार्टी में भी रिशफल की बात हो रही है। अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कितनी बच जाती है, कितनी प्रॉफिट आप यहाँ पे हासिल कर लेंगे इस रिशफल से? नहीं देखिए आप अगर इस बात को देखिए, इसका एक कोई पैमाना नहीं होता। बिहार के 7 मंत्री थे, जबकि बिहार में जो भाजपा की हार हुई है बहुत ही खराब हार हुई थी, 7 मंत्री होने के बाद भी, तो ये कोई पक्का नहीं होता कि अगर किसी प्रदेश के ज्यादा मंत्री होंगे तो वहां सफलता भी मिलेगी। मनीष जी मैं फिर से आपके पास एक बार आ रहा हूं, योगी आदित्यनाथ को शामिल किया जा सकता है मंत्रिमंडल में, ये चर्चा है, खबर ये भी है कि हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है और आप जो है उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपने आप को अगर प्रभुत्व में कायम करना चाहते हैं, मुखर रहते हैं योगी आदित्यनाथ, और कई बार तो ये भी चर्चा होगी कि शायद आपके सीएम फेस भी हो जाए, हालांकि अभी तक ये आपका इंटरनल मामला है, क्या ये भी एक वजह है कि योगी आदित्यनाथ अगर शामिल होते हैं तो फिर सुर्खियां तेज हो जाएंगी, ये भी इल्जाम आप पे? नहीं इसमें इल्जाम का कोई सवाल नहीं, योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी मतलब हिंदुत्व के एजेंडे पे और अपने आप को मजबूत रखना चाहते हैं, लेकिन इसलिए ऐसे वक्त में शामिल कर रहे हैं। देखिए रोजी मैं फिर कहना चाहता हूँ कि श्री योगी आदित्यनाथ जी 4 के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और लेकिन मैं फिर से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि किसको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा, ये निर्णय प्रधानमंत्री जी का है, और ये निर्णय होने के पश्चात ही मैं भी बता सकता हूँ क्यों। कांग्रेस क्या देख रही है सर, क्योंकि अभी तो आप लगातार सत्ता पे थे और ये जो फेरबदल होती है, रिशफलिंग की बात होती है, अभी क्या दिख रहा है आपको इस पे? देखिए फेरबदल में 2 चीजें साफ दिखाई देती हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो आंतरिक असंतोष है
वो सीधे सीधे सतह पर आ गया है। और वो असंतोष कैसा है कि उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री जी भी हैं और यहीं से गृह मंत्री जी भी हैं। गृह मंत्री जी के को कितने अधिकार प्राप्त हैं ये पूरा देश जानता है। सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं और उन्हीं के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा गया था और पूर्ण बहुमत हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी। दूसरी तरफ आप उत्तराखंड में जो ऑपरेशन सरकार के खिलाफ हुआ था वहां पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, वहां 5-5 एमपी उनके हैं और वरिष्ठ मंत्री हैं, कई मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको न शामिल करके क्योंकि वो सारे प्लान फेल करने में और वो लोग सफल नहीं हुए, इसलिए प्रदीप टंटा का नाम सामने लाया गया। असंतोष की बात हम करते हैं तो आपने देखा होगा यशवंत सिन्हा जी ने मोदी जी के विदेश जो नीति है उस पर कितना बड़ा प्रहार किया था। वहीं पर दूसरी तरफ सुब्रमण्यम स्वामी जी को उठा करके देख लीजिए किस तरह का मामला, किस तरह का गतिरोध पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप के लिए बहुत अहम मान रही है, महत्वपूर्ण मान रही है, और महत्वपूर्ण इसीलिए जैसा मैंने पहले कहा कि ये प्रधानमंत्री जी का भी प्रदेश अब हो गया है और गृह मंत्री जी यहाँ से ही हैं, तो इसलिए कि जो हार होगी यहाँ तो मुख्यमंत्री का चेहरा तो देने नहीं जा रही बीजेपी। अमित शाह जी ने कहा कि उन्हीं के नाम पर मोदी जी को चेहरा मोदी जी को सामने रख करके हम चुनाव लड़ेंगे। और आपने ये भी देखा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक अदद अध्यक्ष तो दिया ना ही अभी तक कमेटी दी और ना ही उनको अधिकार दिए, जो प्रदेश अध्यक्ष का अधिकार था लगातार क्योंकि जब भी बैठक हो रही है प्रशांत किशोर की वहां पे कहा जाता है कि इम्पैक्ट इतना हावी हो रखा है कि कोई कुछ बोल ही नहीं पाता है, नाराजगी दिखती है सर। ये तो खैर इंटरनल मामला अगर है तो ये भी तो आप में भी है, फिर फर्क क्या रहा रोहित जी? दोनों के देखिए प्रशांत किशोर जी का काम अलग है और हमारे संगठन का काम अलग है सर। इतने कार्यकर्ता आपके जुड़े हुए थे ग्राउंड फ्लोर पे, इतने बड़े बड़े नेता थे, उन चेहरों को पीछे कर दिया गया सर, प्रशांत किशोर आके अब सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं, तो नाराजगी तो आप में भी है ना सर? पावर तो फिर किसी में आप में भी नहीं है, अथॉरिटी तो किसी एक को आप में भी नहीं दी गई। रोहित जी प्रशांत किशोर जी हमारे कांग्रेस पार्टी के चेहरे नहीं है, वो लेकिन चेहरों को तो ढक दिया ना सर, ये कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी का होगा, चेहरों को तो ढक दिया ना सर। नहीं नहीं किसी भी चेहरे को नहीं ढका। अच्छा। अभी आप देखेंगे, अभी कल आपने देखा होगा कि लखनऊ में इतनी बड़ी रोजा अवतार पार्टी थी जिसमें हमारे गुलाम नबी आजाद साहब, प्रमोद तिवारी जी, पीएल पुनिया जी, रीता बूढ़ा जोशी जी, डॉक्टर और ये कहना कि चेहरों को ढक दिया गया, उनका संगठन से कोई लेना देना नहीं है। प्रशांत किशोर जी एक रणनीतिकार हैं, कांग्रेस के लिए रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं, बना रहे हैं और हम ग्राउंड लेवल तक हमको ले जाने का काम कर रहे हैं जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। लेकिन अब ये कहना ना ही उनकी तो फिर बीजेपी को क्यों नहीं मिलेगा? अगर योगी आदित्यनाथ को ये आगे करें तो बीजेपी क्या गलत कर रही है? अगर कर रही है तो अगर मंत्रिमंडल में शामिल करे तो करेक्ट। हमने तो कभी मना रोहित जी तो उनका मामला है, नहीं तो फिर क्यों नहीं मिलेगा? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हिंदुत्व का चेहरा बुलंद करते हैं योगी आदित्यनाथ, और अगर बीजेपी आप कहते हैं कि हिंदुत्व के एजेंडे पे लड़ती है तो इनके लिए और पॉजिटिव है, आपके लिए चुनौती है, फिर तो आपको विचारने की जरूरत है रोहित जी बड़े अच्छे मुद्दे को आपने उठाया है कि हम हो आपको याद दिला दें, जैसा पहले भी मैंने कहा कि पार्लियामेंट चुनाव के बाद ठीक थोड़े दिन के बाद जहां 11 विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, बाई इलेक्शन हो रहे थे, उसके इंचार्ज जोगी जी ही थे, उन्हीं को इंचार्ज बनाया गया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी 8 सीट हार गई और ऐसे कट्टर हिंदुत्व चेहरे को सामने रखी थी मोदी जी को क्या हाल था उस चुनाव में कि एक तरफ जहां पर राजनाथ जी का विकल्प खड़ा कर रहे थे वही इतने बड़े हिंदुत्व के चेहरे को सामने लाए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी 8 सीट हार गई। अब पुनः उसको दोहराएंगे? मुझे नहीं लगता है। ये तो बुक्कल नवाब इस बात को समझ रहे होंगे कि आगे क्या होने वाला सर। आप ये तो मानेंगे कि अभी जो बीजेपी के ऊपर वार किया गया और बीजेपी जिस तरह से आप पे प्रहार कर रही है, चाहे वो कैराना का मुद्दा हो, तमाम तरह की बातें, और आप कहते हैं कि कहीं ना कहीं सांप्रदायिकरण किया जाता है। अब देखिए चुनाव से पहले तस्वीरें बदली जा रही है, चेहरे बदले जा रहे हैं, मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा रहा है, हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि रूटीन वर्क है। अब इसको आप चुनावी रंग से क्यों जोड़ रहे हैं? देखिए ऐसा है, ये पहले तो ये प्रियंका जी वाली एक बात रह गई थी सर, प्लीज अब उस टॉपिक पे नहीं हूं सर, उस टॉपिक पे नहीं हूं सर, मेरे पास वक्त नहीं है। अरे एक नहीं टॉपिक, अब टॉपिक ही नहीं, अरे अब एक
अरे एक एक बात क्या टॉपिक नहीं कर रहे, एक बात कह रहे अगर प्रियंका गांधी 17 में हार जाती है तो उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा को लाइए, किसको लेके आएंगे? पहली बात तो ये पूछ लेंगे सर। और दूसरी बात ये है किसको लेके आएंगे ये? अच्छा दूसरी बात सुन लीजिए, ये जिस तरीके से ये बीजेपी के ये बैठे हुए हैं, महारथी बैठे हुए हैं यहाँ के ऊपर, और जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमारा जो मंत्रिमंडल कल क्या होगा और क्या बनने वाला है, इनको खुद नहीं मालूम है लेकिन हमको मालूम है, इनको नहीं मालूम हमको मालूम है। 2.25 साल के अंदर जो है पूरे देश का सत्यानाश कर दिया है, विकास की जगह पर विनाश कर दिया है, गरीब की थाली जो गरीब की थाली थी उसके अंदर से दाल जो है पिलाया कर गई। अभी आपने कुछ दिन पहले मंत्रिमंडल में बदल किया है। अरे था अगर यही आधार है तो आपने अभी कुछ दिन पहले मंत्रिमंडल में बदल किया, यानी आर्डर टमाटर जो था वो थाली में से नाश कर दिया, ये इनकी सरकार ने किया है। गरीब का रोटी खाता था, 10 दिन पहले वो रोटियां जो थी गरीब की आपने मंत्रिमंडल का टाइम कर गई। अगर अगर यही आधार है तो आपने पता चल गया आगे आप अब क्या मुझे पता चला कि आपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। आप जीत के गए थे, आप रोहित जी से पूछिए कि उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। बिल्कुल सर, आप तो पूछ ही रहे हैं, मैं बस जवाब का इंतजार कर रहा हूं, मैं बस उसी जवाब का इंतजार कर रहा हूं। अब समझ में नहीं आता बुक्कल साहब कि आप क्या करना चाहते हो। बुक्कल साहब आप देश के अंदर इतने आपने अभी तक जो मंत्रिमंडल बनाया था अगर वो आप नाकारा साबित हुआ है, इसका मतलब अब जो आप मंत्रिमंडल का विस्तार विनाश के आधार पर है तो आपने तो इसका मतलब जरूर कर दिया है, क्योंकि हमारा सब कुछ निकल चुका है, यहाँ के ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं आप लोग जो हैं सब कुछ खत्म कर चुके हैं, आपके पास कुछ नहीं रह गया, थाली से गरीब की थाली से रोटी तक क्या छीन चुके हैं, 4 रोटियां 2 रोटियां खा रहा है वो 15-15 लाख रुपए का। अच्छा बुक्कल साहब आपके भी तो मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया ना सर, वो सब कुछ प्लान कर गया। अब बुक्कल साहब मेरी आवाज मिल रही है क्या? मैं एंकर रोहित बताओ कैलाना को जिस तरीके से बुक्कल साहब तमाम बात कीजिए आप सर, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या बोल रहे हो? एक गुब्बारे के अंदर हवा भरी गई, गैस भरी गई। अच्छा मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए बुक्कल साहब, फिर मैं आपको मौका दूंगा, आप बोल दीजिएगा। आप फुलाना चाहते हो, बार बार कैलाना को फुलाना चाहते हो बुक्कल साहब ने कि नहीं, क्या मतलब है? तमाम बातें बोल रही हैं उनको, टुकड़े कराना चाहते हो, हिंदू मुस्लिम भाईचारा मोहब्बत प्यार जो बना है इसको खत्म करना चाहते हो। सर फिर मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, फिर वो लगा दिया एक माइक लगा दिया। अच्छा ठीक है, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आपके पास आते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, वापस उनके पास चलेंगे बुक्कल साहब के पास, क्योंकि बुक्कल साहब की बातें अधूरी रह गई है। जो समझना जरूरी है कि जो सपा में मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया दरअसल वो क्या था, अगर बीजेपी कर रही है तो ये राजनीतिक हो गया, तो वो फिर क्या था? फौरन आ रहे वापस। तो ब्रेक के बाद सीधा अपने मेहमानों के पास ही चलते हैं, क्या ये चुनावी फेरबदल? सवाल यही हो रहा है बीजेपी के ऊपर, क्योंकि कहा जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल विस्तार होगा और कुछ चेहरे वैसे होंगे जो उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ उत्तराखंड को होंगे और साथ ही साथ कुछ पंजाब के होंगे, और इसके पीछे वजह बताई जा रही है 2017 का विधानसभा चुनाव। सीधा मेहमानों के पास चलिए, बुक्कल नवाब साहब, एक सवाल जो मैं पूछ रहा था, हालांकि वो सवाल जो है बीजेपी की तरफ से आपके पास रखा गया था, वो ये था कि आप मंत्रिमंडल में फेरबदल जो बीजेपी कर रही है उसको आप चुनावी कह रहे हैं, तो आपके जो मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ था वो क्या था? वो भी चुनावी ही था? हमारा जो फेर बदल था, हमारे ऊपर मतलब किसी तरीके के किसी ने अगर एक बार इल्जाम लगा दिया तो हम गिरिराज किशोर नहीं है, हम तत्काल उसको जो है हटा देते, कुर्सी छीन लेते, कैबिनेट मंत्री का दर्जा हम वापस ले लेते हैं, हम जो है जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हाँ। ये लोग गिरिराज किशोर को आज भी जेल हटा रहे हैं सर, ये खबर आ रही है मेरे पास, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि गिरिराज जी को जो है अपने बयानों की वजह से कुर्सी कमानी पड़ रही है। अब मनीष जी इस पे जरा मोहर लगा दे, क्या मनीष जी आप एक्शन लेते हैं क्या सर, रिएक्शन देते हैं क्या? सपा कह रही है कि वो रिएक्ट करते हैं। देखिए रोहित जी वो गिर गया, रोहित जी दो चीजें हैं, बुक्कल साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2.25 साल में विनाश किया इसलिए कैबिनेट का विस्तार कर रही है, तो एक तो इस सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया कि उन्होंने 4.5 साल में क्या उत्तर प्रदेश का विनाश कर दिया इसलिए विस्तार किया। दूसरा हमने इन्होंने तो अपने मंत्री को बर्खास्त किया उसके बाद उसको वापस लिया, बर्खास्त क्यों किया और बर्खास्त किया तो उसको वापस क्यों लिया, ये सवाल आज तक अनुत्तरित है, उत्तर प्रदेश की जनता ये पूछना चाहती है। हमने तो अभी किसी मंत्री को न बर्खास्त किया है
ना ही किसी को अभी वापस लिया है। जब ये कोई ऐसी कार्रवाई हम करेंगे तब हम उसके जवाब देने के लिए तो पूछ रहे हैं मनीष जी, वही तो पूछ रहे। देखिए डिसिप्लिन कितना अच्छा उन्होंने बताया एग्जांपल देकर। आप में वो कह रहे हैं कि डिसिप्लिन नहीं है, गिरिराज सिंह अगर कुछ ऐसा बोलते रहते हैं तो आप लोगों ने एक्शन नहीं लिया, क्यों कार्रवाई नहीं की जबकि आपके मंत्री हैं, नेता हैं। नहीं नहीं, गिरिराज जी के जो बयान थे उस पर जो स्टैंड पार्टी का था वो समय समय पर पार्टी ने अपना दिया। हमने किसी मंत्रिमंडल में फेरबदल करके ये संकेत भी आप दे सकते हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना मनीष जी, यही कहना चाह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में फेरबदल करके ये इम्पैक्ट भी आप ये संदेश दे देंगे। इन्होंने तो अपने मंत्री को बर्खास्त किया, इन्होंने तो बर्खास्त किया। बर्खास्तगी क्यों होती है रोहित जी, आपको पता है बर्खास्तगी सजा है। इन्होंने अपने बलराम यादव को क्यों सजा दी थी और चार दिन बाद वो वापस क्यों लिया? आखिर उस समय उनकी गलती थी और नहीं गलती थी तो उनके मुख्यमंत्री ने वो गलती क्यों की? आखिर वो क्या कारण थे? दोनों कारण कम से कम एक बात तो ये बताएं कि क्या बलराम यादव गलत थे कि अखिलेश यादव गलत थे उनकी बर्खास्तगी की करके वापस लिया चार दिन के अंदर। सतीश मिश्रा साहब जी, अरे ऐसा है मनीष शुक्ला जी, हम लोग जो है आप बीजेपी की तरह कठोर दिल के लोग नहीं है। अब इसको हमने बलराम सिंह यादव जी के आंखों में आंसू देखे, जब हमने आंसू देखे तो जिस दिशा के साथ जोड़ा जा रहा है जो नाम जुड़े हैं वो नाम से क्या बता देखिए। अरे हमारे वो रहम है, हम लोग रहम नहीं है, आगे सख्त नहीं है, हम लोग विकास करते विनाश नहीं करते। आप विनाश की राजनीति करते हो, विकास की राजनीति का कारण बता दीजिए। ये तो विकास और विनाश में फंस गए। चलिए आप रामदिल है लेकिन बर्खास्त क्यों किया था ये बता दीजिए। बुक्कल साहब अब आखिरी एक मिनट मेरे लिए बचा हुआ है, क्या मैं एक बार सतीश मिश्रा साहब को सुन लूं, उसके बाद फिर मैं जवाब ले लूंगा बीजेपी से भी और आपसे भी और कांग्रेस से भी। चलिए मिश्रा साहब देखिए ऐसा है कि जो कल रिशफल होने जा रहा है उसमें चुनावी जो परिप्रेक्ष्य है वो अगर आता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं, गलत है। नहीं है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो फिर बीजेपी एडमिट क्यों नहीं कर रही, वो क्यों हार रही? ये समस्या देखिए, जैसे अभी कहा कि साहब हम बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं, जब राजनीतिक जो नेतृत्व है उस बात को गलत मानता है तब तो बर्खास्त करेगा ना। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने या अमित शाह जी ने गिरिराज सिंह के बयानों को गलत माना हो तो उनको बर्खास्त करते, वो तो उनकी पार्टी की नीति है और उसको वो कभी किसी एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने उसको कंडेम नहीं किया है, तो इसलिए बर्खास्त करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यानी वहां भी राजनीति थी और उसी राजनीति को फिर आप यहाँ भी आप कम से कम जोड़ सकते हैं, और अगर कुछ ऐसा बदलाव होता है तो शायद उसका इम्पैक्ट भी मान सकते हैं, होना ही चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि राजनीतिक देखिए कुल मिलाकर सरकार चूंकि चुनी जाती है जनता से और चुनाव ही एक माध्यम है जिससे जनता चुनती है, तो हर राजनीतिक दल इस बात में लगा रहता है कि वो दोबारा सत्ता में आए और चुनाव से ही आना है। इसका प्रॉफिट मिलता है क्या वाकई में इस आधार के साथ? फिर से देखिए इसका एक उत्तर नहीं हो सकता, कभी फायदे होते हैं। योगी आदित्यनाथ का एक एग्जांपल लेते हैं, अगर ये डिबेटेबल टॉपिक रहा, नाम रहा, योगी आदित्यनाथ अगर मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं क्या बीजेपी को उस क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र में फायदा मिलेगा? अगर योगी आदित्यनाथ को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो उनकी जो फॉलोइंग है उसमें एक ऊर्जा का प्रभाव होगा और वो अपने अपने ढंग से वहां पर जिताने की कोशिश करेंगे। अब इस पर निर्भर करेगा कि जनता योगी आदित्यनाथ की नीतियों को मानती जल्दी बुक्कल नवाब साहब, नहीं तो फिर वो बात आपकी अधूरी रह जाएगी। जल्दी 20 सेकंड आपको मैं दे रहा हूं, मेरे पास समय खत्म हो चुका है, जल्दी सर आप फाइनल कमेंट दे दीजिए। आप फाइनल कमेंट ये है कि हम 1,00,000 रुपया इनको देंगे आपके मनीष शुक्ला जी को, खाली मुख्यमंत्री के नाम घोषित कर दे, चाहे करें चाहे सर ये शो खत्म होने के बाद फोन करके आप इनको ऑप्शन दे दीजिएगा। मनीष जी पे निर्भर करता है कि वे क्या मानते हैं, घोषित करेंगे। चलिए सर घोषित आपने भी नहीं किया है, घोषित तो आपने भी नहीं किया है। प्रभु चावला के साथ सच्ची बात में अखिलेश यादव ने ये कहा था कि मुलायम सिंह यादव नेताजी डिसाइड करेंगे कि चेहरा कौन होगा, उन्होंने भी ये बात नहीं कही कि 2017 में सपा की साइकिल की सवारी कौन करने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया। खास बात यही है, दिलचस्प है, दिलचस्प इसलिए क्योंकि राजनीति है, राजनीति होती है तो उसके बाद अटकलें लगती है, अटकलें लगती हैं तो फिर सियासत और तेज होती है, और जब सियासत तेज होती है तो देखिए ऐसे वार होता है और ऐसे प्रहार होता है। यही तो तस्वीर है, इसी का तो इंतजार है और इसी को जनता देख भी रही है और डिसाइड भी कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।